आपका दिया है पहले वो क्वेश्चन में आपका देखिए जो दिया रहेगा ना पहले उसको क्या कीजिए ठीक है। दिया है आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 1764 सेंटीमीटर का पावर 2 ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पहले उसकी लंबाई चौड़ाई मानेंगे। अब प्रश्न से, प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया है कि लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई बराबर 4x सेंटीमीटर, 4 गुने है ना बच्चों, इसलिए 4x। आप लोग यस नो को जवाब दो। यस सर। अब आयत का क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर l इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल आपको क्या दिया है, 1764 सेंटीमीटर का पावर 2 बराबर l में कितना है 4x और चौड़ाई d में कितना है x। ये हो गया आपका 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, देखिए 4x और x को गुना करेंगे तो 4x का पावर 2 हो जाएगा ठीक। इधर से x स्क्वायर को साइड कर देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे तो उधर होगा 1764, यहाँ गुना में x स्क्वायर के साथ संख्या, यहाँ आगे बट्टा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके साथ यहाँ आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, नीचे ले गया ये सेंटीमीटर, अभी कुछ नहीं कीजिए इधर x स्क्वायर, यहाँ से नंबर काटिए 4 एकम 4, इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 तो यहाँ आपका बच क्या रहा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पावर x का 2 रहेगा तो वर्गमूल बदलने पर पावर 1 हो जाएगा, यानी x बराबर आपको हो जाएगा 441 का रूट ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर भी अंदर डाल दीजिए आप, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर में हो जाए खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा x बराबर 21 सेंटीमीटर, ये x का मान निकला है ठीक है। अब प्रश्न में मेरा क्या दिया हुआ है, चौड़ाई माना है x, इसलिए चौड़ाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर और लंबाई बराबर कितना माना है 4x, लंबाई बराबर 4 है ना, देखिए लंबाई बराबर 4x था, लंबाई बराबर 4x यानी 4 गुने 21 बराबर 21 चौके 84 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आया, एल आया आपका 84 और बी आया आपका 21 सेंटीमीटर, आंसर हो गया आपका। तो